अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 पाक स्टडी इन इंग्लिश लेक्चर नंबर 24 पार्ट 2 यूनिट नंबर 7 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 इन पार्ट 2 ऑफ लेक्चर नंबर 24 वी विल डू द रिमेनिंग टू पॉइंट ऑफ दैट क्वेश्चन नंबर 2 इट्स पॉइंट नंबर 23 लुक एट द बुक लुक एट हियर द फर्स्ट वन पार्ट वी हैव रेड इन द लेक्चर नंबर 22 पार्ट 1 इन पार्ट 2 नाउ वी विल स्टार्ट पॉइंट नंबर 2 ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 स्मॉल इंडस्ट्रीज छोटी सनतें इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान के जो सनती शोबा है अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एसोसिएटेड विद स्मॉल इंडस्ट्री अ लार्ज नंबर अब बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं एसोसिएटेड मीन मुंसलिक हैं विद द स्मॉल इंडस्ट्री छोटी सनतों के साथ एंड द स्मॉल इंडस्ट्री मीन्स छोटी सनत का मतलब है डेट इंडस्ट्री ऐसी सनत विच एम्प्लॉयज़ जो कि रखती है 2 to 9 वर्कर्स जहाँ पे होते हैं 2 से लेकर 9 तक कारकुन एंड मैन्युफैक्चर्स डिफरेंट आइटम्स और जहाँ पे मैन्युफैक्चर्स बनाई जाती हैं डिफरेंट आइटम्स मुख्तलिफ चीज़ें अब तो हियर इज़ द डेफिनेशन ऑफ दैट स्मॉल इंडस्ट्री डेट व्हाट इज़ द स्मॉल इंडस्ट्री यानी छोटी सनत उस सनत को कहते हैं जिसमें 2 से लेकर 9 तक वर्कर्स जो हैं कारकुन जो है वो काम करते हैं और जिसमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो हैं वो मैन्युफैक्चर्स की जाती है बनाई जाती हैं अ फ्यू ऑफ आवर स्मॉल इंडस्ट्री चंद जो हमारी छोटी सनतें हैं आर लिस्टेड बिलो उनको नीचे दिया गया है नंबर 1 इज़ डेयरी फार्म इंडस्ट्री डेयरी फार्म से रिलेटेड जो सनत होती है नंबर 2 बी कीपिंग इंडस्ट्री बी कीपिंग यानी शहद की मक्खियाँ पालने वाली जो इंडस्ट्री सनत है यूटेंसिल मेकिंग इंडस्ट्री यूटेंसिल बर्तन बनाने वाली सनत फ़ैन इलेक्ट्रिक मोटर मेकिंग इंडस्ट्री फ़ैन और बिजली के जो मोटर बनाने वाली सनत पोल्ट्री फार्मिंग जहाँ पे जो चूज़े वगैरह या मुर्गियाँ वगैरह पाली जाती हैं नंबर 6 इज़ कारपेट वेविंग हाथों से कालीन बुनना स्पोर्ट्स एंड गुड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ ये खेलों की चीज़ें बनाने वाली सनत ये किस में आती है दिस इज़ द लिस्ट ऑफ दैट स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एंड द नंबर 8 इज़ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्टेनलेस स्टील कटलरी के बनाना स्टेनलेस स्टील के जो कटली किसे कहते हैं छुरी कांटे वगैरह बनाना एंड दिस डेज इन दिनों इट इज़ डिफ़िकल्ट ये मुश्किल हो गया है फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज छोटी सनतों के लिए टू रिसीव द फैसिलिटीज़ के वो हासिल कर सकें फैसिलिटीज़ या मीन सहूलियात को हासिल कर सकें लाइक द लार्ज स्केल इंडस्ट्री जैसा कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री को है एंड देयर कॉम्पिटिशन उनका जो मुकाबला है इस विद लार्ज स्केल इंडस्ट्री किन के साथ है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बड़ी पैमाने पर जो सनत है उनके साथ है विच सेल बेटर क्वालिटी जो कि बेचते हैं बेहतर क्वालिटी की चीज़ें प्रोडक्ट्स भी चीज़ें जो बेहतर क्वालिटी की चीज़ें बेचते हैं एंड एज अ रिज़ल्ट और नतीजे के तौर पर स्मॉल इंडस्ट्रीज सफ़र जो छोटी सनतें जो हैं वो परेशानी का नुकसान का शिकार हो जाती हैं नंबर 3 इज़ लार्ज स्केल इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर सनतें द फॉलोइंग लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान आर वेरी इंपॉर्टेंट कि मंदरजा ज़ैल जो बड़े पैमाने पर सनतें हैं पाकिस्तान में बहुत अहम हैं उनमें शामिल है शुगर इंडस्ट्री शुगर की सनत आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोहे और स्टील की सनत पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंडस्ट्री पेट्रोलियम से के मुतालिक जो चीज़ें बनती हैं वो उनकी इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल जिसमें शामिल है जीप कार वगैरह बनाना इनकी सनत आर्मामेंट इंडस्ट्री आर्मामेंट मीन आलात बनाने वाली सनतें नंबर 6 इज हैवी मशीनरी किसे कहते हैं यानी बड़ी बड़ी मशीनें बनाने वाली सनत बसेस और ट्रैक्टर्स वगैरह बनाने की सनत मोटरसाइकिल बनाने की सनत मशीनरी जैसे कि टीवी सेट्स इंडस्ट्री बनाने की सनत रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर बनाने की सनत टोबैको तंबाकू और सिगरेट बनाने की सनत कपड़ा और कपड़े से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसको बनाने की सनत लेदर एंड लेदर गुड इंडस्ट्री चमड़ा और चमड़े की चीज़ें बनाने की जो सनत है पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट इंडस्ट्री कागज़ और कागज़ से मुतालिक जो चीज़ें बनती हैं उनकी सनत एंड नंबर 15 इज़ अ कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज एंड यानी मेकअप वगैरह की जो जितनी भी चीज़ें कॉस्मेटिक्स में आती हैं उसकी सनत नंबर 16 इज़ टायर्स एंड ट्यूब इंडस्ट्री टायर्स और ट्यूबें वगैरह बनाने की सनत अब तो ही इज़ द लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 इज़ द आंसर ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 सो 10th क्लास यू हैव टू लर्न दैट कम्प्लीट क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 टू पॉइंट नंबर 3 यू हैव टू लर्न दैट क्वेश्चन बाई हार्ट